महारथी कर्ण के बारे में फैलाए गए सबसे बड़े झूठ। लोगों को यही ज्ञात है कि अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा, कर्ण की मृत्यु हो गई और कुंती जी वहाँ आई और पांडवों को बताया कि उनके ज्येष्ठ भ्राता है। परंतु मूल महाभारत के स्त्री पर्व में जब पांडव सभी योद्धाओं को जलांजलि दे रहे थे, तब कुंती ने इसका खुलासा किया कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता और उनके पुत्र है। धरती का श्राप, महारथी कर्ण को कुल मिलाकर दो ही श्राप प्राप्त हुए, ऐसे मूल महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। परंतु कुछ दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि धरती का श्राप भी उनको था, परंतु ब्राह्मण के श्राप को जो अर्थ था वही धरती के श्राप का भी अर्थ निकलता है, तो एक ही कारण के लिए दो श्राप नहीं हो सकते। महाभारत ग्रंथ में इसका कोई वर्णन ही नहीं है, इस कारण ये बहुत बड़ा झूठ कर्ण जी के बारे में फैलाया गया है। उन्हें दो की जगह तीन श्राप दे दिए गए हैं। जब दानवीर कर्ण ने अपने कवच एवं कुंडल उखाड़कर इंद्रदेव को दे दिए, तब वे मूर्छित होकर गिर गए। नकुल सहदेव ने उनका उपचार किया, ऐसा दिखाया जाता है, परंतु यह असत्य है। उन्होंने हंसते हंसते अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए थे।